स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। कुछ नशा तिरंगे की आन है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा झंडा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अम्बाला के प्रमुख चौकों पर गिरीश शांडली ने लहराया तिरंगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मुहिम चल रही है और देश तिरंगा यात्राएं चल रही है। इस कड़ी में आज जुड़ते हुए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शांडली ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा को नमन कर तिरंगा लहराने की शुरुआत की और उसके बाद पुलिस लाइन शहीदी स्मारक पुलिस लाइन चौक पर स्थित शौर्य चौक, पृथ्वीराज चौहान चौक व कारगिल में शहीद हुए मेजर अमित अहूजा द्वार पर तिरंगा लहराया और उसके बाद फ्रंट के सदस्यों ने जगह जगह शहर में तिरंगे लहराए। गिरीश शांडली ने शहीद मेजर अमित अहूजा द्वार पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो मुहिम देश में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा लगाने की मुहिम पीएम मोदी ने चलाई है, इस मुहिम मात्र से हिंदुस्तान विरोधी देश की नींदें हराम हो जाएगी। उन्होंने हाथ में तिरंगा उठाकर संकल्प लिया कि उनकी मुहिम खालिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान की आतंकी संगठनों के खिलाफ जारी रहेगी। गिरीश शांडली ने कहा कि इस हिंदुस्तान में अगर भारत रत्न से भी ऊपर कोई सम्मान है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले 15 अगस्त आज़ादी पर्व सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का नारा देकर 132 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान की भक्ति के साथ जोड़ा, शहीदों की कुर्बानियों के साथ जोड़ा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शांडली ने कहा कि उनके शरीर में अंतिम कतरा दौड़ रहा है, वह हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि आओ आज़ादी के 75वें महोत्सव पर हिंदुस्तान के दुश्मनों का नाश करें। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।